बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिविजुअल बोनस प्लान स्टार्ट किया था, याद है आपको? वेज इंसेंटिव प्लान में हमने इंडिविजुअल बोनस प्लान पढ़ा और इंडिविजुअल बोनस प्लान के दो सवाल सॉल्व किए, एक पीस वर्क के साथ और एक टाइम रेट सिस्टम के साथ। दोनों की एग्जाम्पल मैंने करवा दी थी, ठीक है? क्वेश्चन 3 पीस वर्क के साथ था और क्वेश्चन 4 टाइम रेट के साथ था। जैसे हमने एग्जाम्पल की तो हमने फौरन से दो पास पेपर के क्वेश्चंस कर लिए। हाँ, क्वेश्चन 5 भी हमने किया था और क्वेश्चन 5 में ओवर टाइम भी था, स्टैंडर्ड टाइम भी था। और बच्चों, जब आप लोगों ने रिवीजन करनी है लेबर कॉस्टिंग से, ऊपर सारे वाले सवालों को इग्नोर कर सकते हो एक्सेप्ट दिस वन। तो ये कम्प्रीहेंसिव सवाल है जिसमें बेसिक वेज भी है, ओवर टाइम भी है और टाइम सेव भी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आप लोगों ने एग्जाम से पहले इसको लाजमी रिवाइज करके जाना है। तो इसको रिवीजन का हिस्सा रखना अपना, ठीक है? रिवीजन में, पहली राउंड वाली रिवीजन में सारा लेक्चर रिवाइज करोगे, सारे एग्जाम्पल रिवाइज करोगे। जो एग्जाम वाली रात होगी ना, आपने उस रात को भी एक रिवीजन करनी होती है ताकि एक मोटी मोटी नजर मारें, तो उसमें ये क्वेश्चन शामिल होगा, क्योंकि उसमें आप डिटेल रिवीजन नहीं हो सकते। फिर हम लोगों ने स्प्रिंग 9 वाला क्वेश्चन LMN वाला, ठीक है, क्लास में कर लिया था। फिर ABC वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया था। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड कॉन्सेप्ट, ग्रुप बोनस प्लान। इंडिविजुअल बोनस प्लान करवा चुका, अब ग्रुप बोनस प्लान होगा। अब ग्रुप बोनस प्लान असल में है क्या? मान लें कि हमारी 6 बंदों की टीम है, उस 6 बंदों की टीम ने पूरा के पूरा एक काम परफॉर्म करना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर हम अपने घर में व्हाइट वॉश करवाना चाह रहे हैं। अब जो व्हाइट वॉश करेगा वो एक बंदा नहीं करेगा, ठीक है? कम से कम 4 बंदों की या 3 बंदों की या 5 बंदों की टीम होगी, ठीक है? तो हमने 5 बंदों की टीम से सारा का सारा घर व्हाइट वॉश करवाना है। तो अब जब इनाम मिलेगा ना, अब इनाम जब मिलेगा तो किसी एक बंदे को नहीं मिलेगा, पूरी टीम को मिलेगा। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर टीम में कोई नकम्मा खिलाड़ी है तो उसकी भी याशी लग जाएगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने जब क्रिकेट मैच खेला और पाकिस्तान वो मैच जीत गया, और जब पाकिस्तान की टीम को इनाम मिलेगा तो उस प्लेयर को भी इनाम मिलेगा जिसने छक्के सबसे ज्यादा खाए होंगे, उस प्लेयर को भी इनाम मिलेगा जो 0 बॉल पे आउट हो गया होगा, ठीक है? तो ग्रुप बोनस प्लान का फायदा ये होता है कि अगर आपके ग्रुप को, पूरे ग्रुप को बोनस मिलेगा, तो अच्छी परफॉर्मेंस वाले को भी बोनस मिल रहा होता है और बुरी परफॉर्मेंस वालों को भी बोनस मिल रहा होता है। डन बच्चों? अच्छा, ये बिल्कुल इंडिविजुअल बोनस प्लान की तरह है, सारी वर्किंग सेम है, सारी वर्किंग सेम है। मिसाल के तौर पर पहले वाले कैलकुलेशन में एक बंदे की वर्किंग चल रही थी, अगर ग्रुप में 10 बंदे हैं तो जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, पूरे ग्रुप का आंसर आ जाएगा। वो एक बंदे की बेसिक वेज मल्टीप्लाई बाय, एक ग्रुप में 10 बंदे हैं तो एक बंदे की बेसिक वेज मल्टीप्लाई बाय 10 पूरे ग्रुप की बेसिक वेज। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी से सॉल्व करें और मुझे टोटल वेज कैलकुलेट कर दें फॉर दी टीम, ठीक है? कैलकुलेट टोटल वेजेस फॉर दी टीम। ठीक है, कैलकुलेट टोटल वेजेस फॉर दी टीम। शाबाश, शुरू हो जाए। जी बच्चों, होप सो आपसे कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन होगी होगी। क्या बेसिक वेजेस कैलकुलेट हो गई? बेसिक वेजेस कितनी आती हैं? 3 लाख। अच्छा, और ओवर टाइम है इसमें? ओवर टाइम नहीं है। इसका मतलब बेसिक वेज के साथ और क्या आ रहा है? टाइम सेव आ रहा है। टाइम सेव में प्रॉब्लम है। चलें सर, देखते हैं सर, लेट्स सी। आ जाए जरा। जी बच्चों, चलें जी, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस सर, बेसिक वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक वेज यहां पर है जरा। नॉर्मल वर्किंग आवर कितने हैं? एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। और एक वीक में कितने दिन है? 5 दिन है। और बेसिक वेज रेट कितना है? 250। ऐसे है? अच्छा, और ग्रुप में लोग कितने हैं? टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ टीम ऑफ 30 वर्कर। सर कितने वर्कर हैं? 30 वर्कर हैं। ऐसे है? इसका मतलब 30 वर्कर हैं, 30 वर्कर हैं, 5 दिन काम करते हैं,
ठीक है, ये वर्कर आ गए, ये आ गया वर्कर, और ये क्या आगे, वीक आगे, सही है। एक वीक में कितने दिन है, 5 दिन है, ठीक है, तो एक दिन में 5 दिन आ गए, ठीक है, तो ये डेज पर वीक आ गए, क्या आगे, डेज पर वीक आ गए। अच्छा जी, ये वापस डेज पर वीक आ गए। आगे चले सर, एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं, इसका मतलब 30 बंदों ने पूरे हफ्ते में कुल मिला के कितने घंटे काम किया होगा जी, मल्टीप्लाई करो सारे को यार, इन सबको मल्टीप्लाई करो। हाँ, ये बेसिक वेजेस की कैलकुलेशन हो रही है। 1200 घंटे, इसका मतलब 1200 घंटे उन्होंने काम किया, 1200 घंटे टोटल काम किया 30 बंदों ने पूरे हफ्ते में, सही है। और 1 घंटे कितने पैसे लेके जा रहे हैं, 1200 घंटे अब हफ्ते में 1200 घंटे इस तरह से हुए, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर 30 बंदों ने पूरे हफ्ते में 1200 घंटे काम किया, मतलब मैंने इतना भी, ये तो सोचना था यार खुद, अब वो सारे आंसर को मल्टीप्लाई 30 थोड़ी कर देना था, ये भी मेरे कहने का मतलब नहीं था, मतलब इस तरह का मेरे कहने का मतलब था, मतलब जिस तरह से बेसिक वेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8 × 5 × 2800, एक बंदे की वेजेस आ गई, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर देते तो 30 बंदों की वेजेस आ जाती, ये मेरे कहने का असल में मकसद था। तो 1200 घंटे 30 वर्कर ने काम किया और 1 घंटे कितने पैसे मिल रहे हैं, 250 मिल रहे हैं, ऐसे है? तो टोटल कितने पैसे मिल गए, टोटल वेल्डर 3 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। अच्छा जी, तो टोटल हमारे पास 3 लाख रुपए यहाँ पे आ गए, ये हमारे पास आ गए बेसिक वेज, ऐसे ही है, ये बेसिक वेज आ गए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, टाइम सेव आ गया, टाइम सेव कैसे पता चला, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, जब भी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम आ जाए तो इसका मतलब सवाल में टाइम सेव आ गया, और जब फर्दर सवाल को पढ़ेंगे तो पता चल गया कंपनी यूजेस 80% ग्रुप बोनस प्लान फॉर द टाइम सेव, जो भी टाइम सेव ग्रुप करेगा तो सर कितना बोनस मिलना है उसको, 80%, और 80% किसका मिलना है बच्चों, बेसिक का मिलना है, बेसिक का। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे टाइम सेव बोनस, टाइम सेव बोनस, ये जो टाइम सेव बोनस बच्चों मिलता है, क्या मुझे बता सकती हो किन दो चीजों का मुकाबला करके टाइम सेव आता है, वेल डन, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन का मुकाबला वर्सेस एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, इन दोनों का मुकाबला होता है, सही। अच्छा, एक्चुअल आवर उन्होंने कितने लगाए हैं, 1200 घंटे लगाए हैं, ये वाले एक्चुअल आवर उन्होंने कितने लगाए हैं, 1200 घंटे लगाए हैं, तो ये तो मुझे पता चल गया कि 1200 घंटे एक्चुअली उन्होंने लगाए हैं। अब मुझे ये देखना है कि स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या, सही है। अब स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब है हकीकत में जो यूनिट बनाए वो कितने घंटों में बनाए, सर हकीकत में यूनिट कितने बनाए हैं, 1200, और चेक करो ये किसमें पड़ा हुआ, पर यूनिट भी पड़ा हुआ है, तो बताएं डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सर यूनिट है और आगे उसका पर यूनिट पड़ा हुआ है, यूनिट के साथ पर यूनिट पड़ा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगा, सही है। अगर यूनिट के साथ पर आवर होता तो सर डिवाइड होता, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, यूनिट के साथ पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई, यूनिट के साथ पर आवर है तो डिवाइड, समझ आ रही है, ओके। तो कैसे आंसर आएगा, 1200 × 1.5, तो कितना टाइम दिया गया था, 1500 घंटे दिए गए थे, 1800 घंटे दिए गए थे जवान, 1800 घंटे वाला काम 1200 घंटे में कर लिया, कितना टाइम सेव कर लिया, सर 600 घंटे सेव कर लिए, तो टाइम सेव कितना आ गया, सर 600 घंटे, आ जाए जरा 600 घंटे का इनाम कितना मिलना है, सर टाइम सेव 600 घंटे टाइम सेव कर लिए, मल्टीप्लाई बाय 200, कहां पे लिखा हुआ यार, हाँ 80%, तो ठीक है 200 ना करो सर, बेसिक 250 आ गया, बस डायरेक्ट इसका 80% कर लो, और आंसर बताओ कितना आया, 1 लाख, वेल डन, 1,20,000 आया, इसका मतलब पूरे ग्रुप ने कितना माल कमाया, 4,20,000 रुपए कमा लिए पूरे ग्रुप ने, सर ये आंसर आया मेरा, कोई टेंशन
अब यहाँ पे ना अपने हर सवाल की जो मेरी कैलकुलेशन होगी और जो मेरे आंसर होंगे ना बच्चों, बस आपने एक नजर रखनी है कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या गलत सोच रही, फिर आपने उस सोच को मेरी सोच से कंपेयर करना है और फिर सर करेक्शन करनी है कि अच्छा यार ये चीज गलत सीखी, मुझे टाइम सेव की कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है। अच्छा फिर टाइम सेव कैलकुलेशन में क्या मुझे पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड आवर का मुकाबला एक्चुअल आवर से करना है, फिर स्टैंडर्ड आवर कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये एक एक स्टेप में आप लोगों ने अपनी करेक्शन करते जाना है। यहां तक कोई टेंशन नहीं? क्या ग्रुप बोनस प्लान कर लिया? अच्छा, अब ग्रुप बोनस प्लान है, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, ठीक है? तो ग्रुप बोनस प्लान का फायदा ये है कि दे आर इजी टू बी एडमिनिस्टर्ड, कहता सारों की कैलकुलेशन एक लम्हे में हो जाती है। ग्रुप स्कीम इंप्रूव द टीम कोहेशन, कहता टीम के अंदर जो बाउंडिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है। कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ बुरा परफॉर्म कर लेते हैं, ओवरऑल सबको क्रेडिट मिल जाता है। नुकसान क्या है? एम्प्लॉयज माई डिमांड फॉर मिनिमम टारगेट फॉर एक्सेप्टिंग दी स्कीम। तो कहता है कि एम्प्लॉयज कहते हैं कि यार हमें कम से कम मिनिमम टारगेट दिया जाए जो हम क्या कर लें एज अ टीम के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, ज्यादा मुश्किल टास्क दोगे हो सकता है हमारी पूरी टीम से वो अचीव ना हो। एम्प्लॉयज डूइंग दी बेस्ट एंड दी वर्स्ट माइट फॉल विक्टिम टू टीम पॉलिटिक्स, जो अच्छा परफॉर्म कर वो कह रहा है यार मेरी वजह से मैच जीते, जो बुरा परफॉर्म कर रहा है यार तेरी वजह से मैच हार रहे हैं, ठीक है? अब जिसकी वजह से मैच जीतेंगे वो कहेगा यार मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए और इस बंदे को निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से पॉलिटिक्स टीम में या शुरू होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? साहब की कोशिश होगी यार जो वीक वाला बंदे हैं उनको निकालो और जो स्ट्रांग स्ट्रांग रह जाएंगे उनको हम रख लेते हैं। डन बच्चों, क्लियर? यहां तक तो कोई टेंशन है तो मुझे बता दो, कोई परेशानी? ठीक है जी। इसी खुशी में, कौन सी वाली खुशी में? इसी खुशी में एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पास पेपर का। अच्छा जी, सबसे पहले सर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्रुप बोनस प्लान का, स्प्रिंग एट इस हाग लिमिटेड वाला, ठीक है? तो इस हाग लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटम फाइव वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया हुआ एज अ होमवर्क जो कि मैंने पिछले आपको दिया हुआ था, ठीक है? तो इस हाग लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करने लगा हूँ, स्प्रिंग एट इस हाग लिमिटेड, ठीक है? देखते हैं जनाब, पास पेपर में आ जाए और यहां पर आ गया हमारे पास, इधर गया ये इस हाग लिमिटेड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है? स्प्रिंग एट, जल्दी से इसको रीड आउट करें और सर सॉल्व करना शुरू कर दें, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो जल्दी से सॉल्व करना शुरू करें। शाबाश, क्वेश्चन पढ़ें और फिर सॉल्व करना शुरू करें, फिर मैं करवाता हूँ। जी बच्चों, होप सो आप लोगों ने यार सॉल्व कर लिया होगा, ये सॉल्व हुआ? अच्छा जी, चलें अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मैं सॉल्व करता हूँ उन बच्चों के लिए जो मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। सही है रे, कि सर कब आएंगे और सॉल्व करवाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन? अच्छा जी, इसहाक लिमिटेड मैन्युफैक्चर, सर सवाल पढ़ते हैं जल्दी से पहले। इसहाक लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्लास्टिक बोतल बनाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ 100% वीकली ग्रुप बोनस प्लान विद अ बेसिक वेज। कहता है कि हम बोनस कितना दे रहे हैं? 100% बोनस दे रहे हैं। याद रखिएगा बोनस में दो कैटेगरीज होती हैं, अगर तो ये बोनस ओवर टाइम का हुआ तो बेसिक प्लस और ऊपर 100% मिलेगा, और अगर तो ये बोनस टाइम सेव का हुआ तो टाइम सेव में बेसिक का 100% सिर्फ 150 रुपये मिलना है, क्योंकि बेसिक वेज कितनी है? 150। दोबारा सुन ले मेरी बात जो मैंने बात समझाई है, अगर तो ओवर टाइम का बोनस हुआ तो बेसिक कितना हुआ, सॉरी बेसिक कितना होगा? 150 प्लस 150 उसको और मिलेगा, यानी कि टोटल 300 रुपया मिलेगा अगर ओवर टाइम लगाया। और अगर तो टाइम सेव बोनस है तो बेसिक का 100% से 150 ही बोनस मिलेगा। ये बात जरा खूब समझ लीजिएगा। स्टैंडर्ड ओए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ गया, क्या करना है इसका अब? हाँ, जब भी स्टैंडर्ड, और चेक करें आज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आज पर पे कौन है? पर पे आवर है, और अगर टोटल आवर हुए जिंदगी आसान, लेकिन अगर टोटल पे यूनिट आए तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा। बच्चों अब इस छोटी छोटी ट्रिक्स को सीख लो, ये आपको सारी सारी ट्रिक्स जो हैं वो सारी मुख्तलिफ कैलकुलेशन के निचोड़ आपको बताए होते हैं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, चीजों को सीखना आसान हो जाए। वरना तो यकीन करें इतनी मुश्किल चीज है ना, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि कब मल्टीप्लाई चल रहा है कब डिवाइड चल रहा है, वो 5 मिनट तो इसी चक्कर में ज्यादा रहता है। सही है, तो आप लोगों को इतनी आसान आसान करके चीजें कर दी हुई हैं। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना है? 50 बॉटल्स, ऐसी है। इसका मतलब 50 बॉटल 1 घंटे में बन जाती हैं।
ईच वर्कर, ओ लगता है गुरु बोनस प्लान आ गया, ईच वर्कर इज सपोज्ड टू वर्क 8 आवर अ डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। कहते हैं मंडे टू फ्राइडे हर एक वर्कर 8 घंटे काम करता है, 5 आवर ऑन सैटरडे, सैटरडे को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, सैटरडे वाले दिन 5 घंटे काम करता है। प्रेजेंटली मौजूदा देर आर 20 वर्कर, टोटल वर्कर कितने हैं 20 वर्कर है, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट वीक अंडर 100% बोनस प्लान। मंडे को नंबर ऑफ बॉटल्स, ये यूनिट्स है, नंबर ऑफ बॉटल्स क्या है ये बच्चों, यूनिट्स है। तो मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये यूनिट्स आ गए। मोस्ट ऑफ द वर्कर हैव रेज ऑब्जेक्शन ऑन द कंपनीज बोनस प्लान। कहता काफी वर्कर ने कहा आपका बोनस प्लान हमें पसंद नहीं आ रहा। दे आर ऑफ द व्यू दैट बोनस कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन डेली। कहता डेली डेली बोनस मिलना चाहिए इंस्टेड ऑफ वीकली प्रोडक्शन। कहता आप वीकली हमें बोनस देते हो, हमें वीकली बोनस नहीं चाहिए, हमें तो डेली बेसिस के ऊपर बोनस चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज आस्क्ड यू टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ सच अ चेंज। कहता मैनेजमेंट ने आपको कहा भाई बताओ ये जो मसला आया वीकली प्रोडक्शन की बोनस का और डेली प्रोडक्शन के बोनस का, बताएं इस मसले का हल क्या है, ठीक है, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिक्वायर्ड क्या है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें अंडर ईच ऑफ दी टू ऑप्शन, दो ऑप्शन कौन सी डेली और वीकली। गिव रीजन फॉर द डिफरेंस इफ एनी, अगर कोई डिफरेंस है तो इस डिफरेंस का रीजन हमें भी बता दो। डन बच्चों, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वीकली वाला और फिर कर लेते हैं डेली वाला। चलें जी आ जाएं जरा। तो इसहाक लिमिटेड नंबर वन ऑन वीकली परफॉर्मेंस, बच्चों ये सेम हमने सवाल किया था एग्जाम्पल में सर, सेम क्वेश्चन, बस फर्क है यहां पे जरा ग्रुप बोनस प्लान आ जाएगा। अगर वीकली परफॉर्मेंस है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कितनी तरह की वेजेस कैलकुलेट होंगी, दो तरह की। सबसे पहले क्या होगा, बेसिक वेज आ जाएगा, उसके बाद ओवर टाइम आता है वो हमारे सवाल में नहीं है, और टाइम सेव्ड आ जाएगा, टाइम सेव्ड बोनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आ जाएं जी बेसिक वेज पर आ जाएं। बेसिक वेज में बच्चे वो क्या कहता है, अच्छा जी कहता है मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे काम करता है, मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे काम करता है। तो मंडे टू फ्राइडे कितने दिन बने, 5 दिन बने, 5 दिन बने, इसका मतलब 5 दिन हर दिन 8 घंटे काम करता है। तो सीन कुछ बच्चों ये बन गया, 5 इंटू 8, ये 5 इंटू 8 क्या, मंडे से लेके फ्राइडे तक, इसमें हो जाएगा एड। सैटरडे वाले दिन, सैटरडे वाले एक दिन वो ज्यादा 5 घंटे काम करता है, क्या ये वाली बात मेरी समझ लग गई, इसमें कोई टेंशन नहीं। ये टोटल वीक में एक बंदा इतने घंटे काम करता है, मेरी बात समझ आ गई, टोटल वीक में एक बंदा इतने घंटे काम करता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर्स टोटल कितने हैं 20 वर्कर हैं, ऐसे ही है, किधर गया सर, ये 20 वर्कर हैं। अच्छा पर आवर के हिसाब से कितने पैसे मिलते हैं, 150 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो बेसिक वेज रेट ₹150 है। आंसर कितना आ जाएगा, 1,35,000, 135,000, ये हमारे पास बेसिक वेज आ गई। अब क्या चाहिए, टाइम सेव। चलो जी अब बताओ टाइम सेव किन दो चीजों का मुकाबला करके आती है, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। याद रखिएगा एक्चुअल आवर तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं, सर ये एक्चुअल आवर है, मेरी बात समझ आ रही है, ये एक्चुअल आवर है। तो 5 इंटू 8 आंसर कितना आया, 40 प्लस 5, 45 आवर, तो 45 आवर्स एक बंदा काम करता है, मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो सारे वर्कर कितने घंटे काम करेंगे, हाँ 900 आवर। तो 900 आवर इज योर एक्चुअल आवर, एक्चुअल प्रोडक्शन आवर, सही है।
तो एक्चुअल प्रोडक्शन आवर आपके कितने आगे, 900 घंटे आगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन पर है सर। स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट किधर है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है सर, ये पर आवर है। पर आवर कितना है, 50 बॉटल, यानी कि ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये लिखा हुआ 50 बॉटल पर आवर। और चेक करें हमारे पास एक्चुअल में, हमारे पास सर, हमारे पास याद रखिएगा फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला चेक करें। स्टैंडर्ड आवर वो वक्त बताओ जिसमें हम एक्चुअल यूनिट्स बनाते हैं, एक्चुअल यूनिट्स बनाते हैं। तो यहां पे हमेशा स्टैंडर्ड आवर के लिए आपको हमेशा यूनिट्स चाहिए होंगे, ऐसे ही है। अगर यूनिट्स चाहिए होंगे और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट होता सर, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट होता कितनी आसान होती, उस स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट को नंबर ऑफ बॉटल से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड आवर निकाल लेता। अब मसला है क्या, यहां पर है मेरे पास यूनिट्स और जो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट नहीं है, पर आवर है, तो सर क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। सर अब डिवाइड करके आंसर आएंगे, ये समझ लेती है आसानी, बड़ा लंबी स्टोरी ऑफ कन्वर्जन सिखाई हुई आपको मैंने। चलो जी, अब सारे यूनिट्स को ऐड करो, सारे यूनिट्स को ऐड करो। हाँ 46, इसका मतलब 46,800 ये आपने बॉटल्स बनाई है, और यहां पे बॉटल मारा क्या चल रहा है, एज अ यूनिट चल रहा है, सही है। चलो सर आ जाओ यहाँ पे, इसका मतलब 46,800 यूनिट्स हैं, बॉटल्स हैं, इसको डिवाइड करने के रेट से, कन्वर्जन रेट कितना था 50, तो सर आंसर बताएं कितना आया, 936 आवर। वेल डन यार, बहुत अच्छे। अब बताओ कितना टाइम सेव किया, 936 घंटे वाला काम 900 घंटे में कर लिया सर, 36 घंटे बचा लिए सर, बचा लिए। चलो जी आंसर जरा इसका रेट, तो 96 आवर हमने सेव कर लिए, और 1 घंटे का हमें इनाम कितना मिलना था बेसिक का, ओ सॉरी 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 36, अच्छा 36, और इनाम कितना मिलना था बेसिक का 100%, तो सर बेसिक 100%, तो 150 का 100% कितना होता है, 150 होता है। आंसर कितना आ गया, 5400, दोनों को ऐड कर दें ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 1,40,400 सर ये हमारा आंसर आ गया, ये टोटल वेजेस हमारी बन गई, ऐसे है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं दोबारा, क्या कहता है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए ना, तो यहां से लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, वेल डन, 140,400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, ये वाले 46,800 बॉटल्स बनाई थी, ये बॉटल्स है हमारे पास, ठीक है। आंसर इज ₹3 पर यूनिट, ऐसे ही है। अगर हम वीकली चलते हैं तो एक यूनिट बनाने पर लेबर कितने की पड़ी है, ₹3 की पड़ रही है, यानी कि एक बॉटल के ऊपर ₹3 की लेबर पड़ी है। ये तो था जब हमने वीकली परफॉर्मेंस पर कैलकुलेशन की। अब लेबर की रिक्वेस्ट क्या थी, हाँ लेबर कहते नहीं भाई हमें तो किस पे पैसे चाहिए, ऑन डेली बेसिस। तो हमने कहा ठीक है भैया आपकी मर्जी की कैलकुलेशन करवा लेते हैं, ऑन डेली बेसिस सर, डेली बेसिस पर आ जाए। आपको पता है जब हम डेली बेसिस पर कैलकुलेशन फटकाते हैं तो सर बेसिक वेज की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बेसिक वेज पहले भी 135 थी अभी 135 रहेगी, बेसिक वेज सेम है, तो बेसिक वेज को तो हम लिखते हैं जल्दी जल्दी से। हाँ बेसिक और ओवर टाइम सेम रहता है, वीकली हो या बोलो बोलो डेली हो, तो बेसिक वेज तो 135,000 ही रहेगा। चेंजिंग किस में आएगी, टाइम सेव बोनस में, टाइम सेव्ड बोनस में, और इसको हम ले जाते हैं वर्किंग वन में, वर्किंग वन करके आते हैं, वर्किंग वन डन बच्चों। अच्छा वर्किंग वन में डेली बेसिस पर आपको पता मुझे पूरा टेबल चाहिए होगा, चाहिए होगा, तो उसको यहां से उठा लेते हैं टेबल को। चलिए यहां पर आ जाए, जरा हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे
और उसके बाद स्टैंडर्ड आवर चाहिए होता है हमें, और फिर एक्चुअल आवर चाहिए होता है, और फिर यहाँ पे हमारे पास टाइम सेव आ जाएगा। डन बच्चों, बच्चों को टेंशन। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे टाइम सेव चाहिए, तो टाइम सेव का मुकाबला किन किन से आता है? सर टाइम सेव का मुकाबला कैसे होगा? स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, और फिर एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब दैट्स वाई जब हम स्टैंडर्ड आवर कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड आवर का वो कन्वर्जन रेट देता है क्वेश्चन में सेपरेटली, और एक्चुअल यूनिट तो हम यहां से पिक कर रहे होते हैं। मुझे समझ आ रही है? अच्छा जी, अब चेक करें हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, यूनिट्स है, और स्टैंडर्ड रेट किस पे था? पर आवर पे था। पर आवर किधर गया, किधर गया, किधर गया? पर आवर, ऐसी है। तो यूनिट के साथ अगर पर आवर है तो ये उलट चल रहा है, तो डिवाइड होकर आंसर आएगा, यानी कि हर एक यूनिट को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बच्चों ये क्या देगा, डिवाइडेड बाय 50, तो डिवाइड बाय 50 करके आंसर बताओ क्या आता है? 174, और डिवाइडेड बाय 50 करो इसको, 147 डिवाइडेड बाय 50, 195 डिवाइडेड बाय 50 जी, डिवाइडेड बाय 50, 179 डिवाइडेड बाय 50 और 91। ये 91 ये सारे क्या आगे, स्टैंडर्ड आवर आगे। अच्छा अब मुझे बताएं वो रोज कितना घंटे काम कर रहा था? आए जरा सर, आए जरा सर, मंडे टू फ्राइडे 8 थे, सैटरडे को 5 घंटे काम करेगा क्या? मैं रोज मंडे टू फ्राइडे यहां पे 8 आवर लिख दूं, यहां पे 8 लिख दूं? बच्चे 8 लिख दूं, 8 8 लिख दूं? सर नहीं सर, 8 तो एक बंदे के काम के घंटे हैं सर, 20 वर्कर हैं, तो 20 × 8 करूंगा, दैट इज 160। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पे क्या करूंगा, 160 करूंगा। कैसे सर? 8 × 20, मेरी बात समझ आ गई? तो यहां पे भी 160 आएगा, 160, 160, 160, और यहां पे कितना आ जाएगा, 5 × 20। ठीक है, हफ्ते वाले दिन 5 घंटे काम किया और 20 लोगों ने काम किया, मिलके सो उन्होंने 100 घंटे काम किया। बच्चों डन, अब वो वक्त आ गया टाइम सेव बोनस का, यहां पे आ जाएगा टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड सर पहला कितना टाइम सेव किया, 14, यहां पे नहीं सर, यहां पे 35 सेव किया, यहां पे नहीं, यहां पे 19, यहां पे कोई नहीं। सर टोटल टाइम सेव कितना कर लिया, 68, 68 घंटे टोटल टाइम सेव कर लिया। कोई टेंशन? चलो आज अगर 68 घंटे टाइम सेव किया तो टाइम सेव बोनस कितना मिला, 68, तो 68 मल्टीप्लाई बाय 150, 10,200 टोटल करें जरा, 145, तो 145 200, ये टोटल आ गया। आपको पता मुझे पर यूनिट पे जाना है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट कितने थे, 46 800 यूनिट से, तो डिवाइड कर देंगे 46 800, आंसर कितना आ जाएगा, रुपीस 3.102 ऐसे ही है। अच्छा तो यार लेबर छा गई, वैसे तो लेबर तो छा गई है, तो लेबर सही कह रही है यार, हमें डेली बेसिस पर इनाम दो, क्योंकि डेली बेसिस पर इनाम ज्यादा मिल रहा है, डेली बेसिस पर इनाम ज्यादा मिल रहा है, तो डेली बेसिस 3.1 मिल रहा है, और अगर हम वीकली चलें तो 3 रुपये पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर की बात मानेगी या नहीं मानेगी? जी ऑर्गेनाइजेशन लेबर की बात, अब अगर हम यहां पे डिसीजन मेकिंग करें तो बताएं क्या लेबर ने कहा भाई वीकली वुकली पैसे नहीं चाहिए? यहां पे देखें जरा, उसने कहा, लेबर कह रहा है कि बेस्ड ऑन डेली प्रोडक्शन नहीं, वीक सॉरी डे बेस्ड ऑन डेली प्रोडक्शन हमारी कैलकुलेशन करो बोनस की, वीकली ना करो। तो वीकली में कितने पैसे देने पड़ रहे थे, 3 3 पर यूनिट, और डेली पर कितने रुपीस पे करने, 3.102, 3 पॉइंट गया, 3.102। तो मुझे बताएं डेली बेसिस पर 3.102 चल रहा है, वीकली पर ₹3 पर यूनिट चल रहा है, बताएं क्या बिजनेस लेबर की बात मानेगी? बच्चों
सर मानेगी? सर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। बिजनेस बिजनेस ये कहेगा, बिजनेस ये कहेगा, देखो लोगो आपको अपने मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, वीकली मिल रहे हैं, तो बस वीकली ही मिलेंगे आपको, डेली नहीं मिलेंगे। तो जो आप एफर्ट कर रहे हो आपको बोनस इससे मिल रहे हैं। तो अगर वो बिजनेस जो है वीकली से डेली पर जाएगा तो बिजनेस की पर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी ओवरऑल उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो बिजनेस तो नहीं करने लगेगा। आप खुद बिजनेस बन के सोचो यार, समझ आ रही? लेबर नहीं छोड़ के जाएगा, लेबर को बेसिक के ऊपर बोनस मिल रहा है यार। बोनस ना मिलने पर, या बोनस बिजनेस ने कब इंकार किया बोनस ही नहीं देना? बिजनेस के भाई हमारी अपनी कैलकुलेशन कुछ होती है, बिजनेस के पास 100 बहाने होते हैं लेबर को गोली कराने के। सही है? अब मुझे बताओ क्या लेबर को एक कैलकुलेशन आती होगी वीकली परफॉर्मेंस के ऊपर, डेली परफॉर्मेंस के ऊपर? उनको थोड़ी आती होगी। ठीक है, तो उनको क्या पता कि अंदर राज की बात। अभी एक मैं मिड वे वाला सवाल कर रहा हूँ, वो लेवल का सवाल है, कमाल का, वो बड़े मजे का सवाल है। वो है ये वाला सवाल, मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगा पास पेपर की जगह, यही है। कल मैं सवाल करवाऊंगा आपको ये वाला, सर कमाल का सवाल है, मिड वे सर्विसेज वाला। अब यहां पर ना बिजनेस की रियल हकीकत नजर आएगी कि बिजनेस करता क्या है। बिजनेस फायदा उठा लेगा, अच्छा लेबर फायदा कमा कर देगी बिजनेस को, लेबर की वजह से बिजनेस को ही फायदा आएगा। वो फायदा जो होगा ले बिजनेस लेबर को वो फायदा थोड़ा सा ट्रांसफर करेगी और ज्यादा फायदा अपने पास रख लेगी। हालांकि वो जो सारा के सारा फायदा आया वो लेबर की एफिशिएंसी की वजह से आया। तो लेबर की एफिशिएंसी का जो क्रेडिट मिलेगा बिजनेस कम देगी और ज्यादा पैसे अपने पास रख लेगी, इस सवाल में यहां पे पता चलेगा। ठीक है, तो ये चलो मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा बच्चों सवाल खत्म हो गया, कोई टेंशन है तो इस पे मुझे बता दें। ये हमारे पास सवाल आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कमेंट्स कमेंट्स तो करना ही क्यों नहीं होते, तो ना ही हमने कोई कमेंटिंग करनी है। तो बस सिंपल हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, बस हम ये बता देंगे कि डेली बेसिस के ऊपर जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वो हायर आ रही है और वीकली पर 3 आ रही है। तो एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस शुड स्टिक विद दी वीकली बोनस प्लान। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पर लेबर कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट इंक्रीज होने का डर होता है। डन बच्चों? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों ने जो होमवर्क करना था बच्चों, ये वाला सवाल कर लीजिएगा लाजमी। ठीक है, स्प्रिंग 14 ये वाला, एबीसी वाला, और हाँ बस ये वाला कर लीजिएगा। और एक सवाल आप लोगों ने देख कर आना है। ठीक है जी, बस बस काफ़ी है, बाकी जो अपने सवाल कल किए थे उन्हीं को दोबारा कीजिएगा। और ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल वाला मैं पास्ट का सवाल करूंगा मिडवे सर्विसेज, और ये सवाल करवाने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लेबर की जर्नल एंट्रीज जो होंगी ठीक है वो सीखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह तला लेबर कॉस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक आधा और पास पेपर होगा वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, और फिर इंशाल्लाह तला बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।